ये पूरा ऐसा दिखाई दे रहा है। मेरा नाम आनंद चिट्टी है और पिछले 18 साल से मैं स्नेक रेस्क्यू का काम करता हूँ। रात के कितने बजे? 8:30 बज रहे शायद। 8:30 करेक्ट है। घोना साफ हो सकता है और प्रशांत जी मेरे साथ में हैं। वीडियो अच्छा बनने का कॉन्फिडेंस रहता है, डर डर के लेकिन रात का वक्त है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और आम लोगों के पास हम जब कैमरा देते हैं, हमारे दर्शक भी पूछते हैं कि आप शूट कहाँ से करते हैं। एक छोटा मोबाइल से करते हैं, स्पेशल कैमरे से नहीं। लेकिन कैमरा मैन कैसा है उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो प्रशांत जी साथ में है। और दूसरी बात, लोग आप अक्सर डर जाते हैं, जो आम लोगों के पास हम कॉल आते हैं तो उनको ही देना पड़ता है, तो डर जाते हैं और सही मौके में जो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो मिस हो जाता है। बोनस रहेगा किस सिचुएशन में है देखेंगे। मेरे गांव में हूँ दोस्तों। ये सांप काटने से सड़ने की क्रिया होती है, तो आम लोगों को ये भी पता है शायद। और ये कुछ बातें हैं ना, हमें सीखने जैसी है लोगों से आई हुई। तो इसको इसलिए मराठी में कुसड़ा, यानी उसका अर्थ होता है कि सड़ाने वाला। तो आमतौर पर इसका नाम यही उन्होंने लिया, तो उसको घोना से समझने का मतलब। आमतौर पर जो प्रचलित नाम होते हैं वो अलग रहते हैं और शास्त्रीय नाम होते हैं वो अलग होते हैं। घोनस यानी रसल स्वाइपर होता है, पैट्रिक रसल का ही नाम है और बहुत महत्वपूर्ण सांप है। और उन्होंने टॉर्च वगैरह लगा के रखी है और देख सकते हैं कैमरा में भी थोड़े आएगा ही कि यहाँ पर बैठा है। बहुत ही सुंदर सांप यहाँ पर ही बैठा हुआ है। इतना देख सकते हो, ये देखिए ये पूरा ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत सांप, नजदीक से इसकी सुंदरता प्रशांत जी दिखाएंगे। देखिए किस तरह से डिजाइन बनी हुई है, काफ़ी खतरनाक जगह पर, क्योंकि इधर भाग गया तो मिलना मुश्किल है। लेकिन उसकी सुंदरता देखिए, क्योंकि केंचुली निकाला हुआ सांप है और इसलिए उसको हम दिखा रहे हैं। केंचुली निकालने के बाद ज़्यादा ही सुंदर दिखाई देते हैं, क्योंकि वो धुंधली सी जो स्किन होती है ऊपर की चमड़ी, उसका ऊपर का जो हिस्सा रहता है केंचुली जिसे कहते हैं, वो निकल जाता है और सांप को अनिवार्य है। सांप की अपनी मतलब सांप को घर्म ग्रंथि नहीं है, तो उसको पसीना नहीं आता और शरीर को बढ़ाने के लिए वो बहुत जरूरी है। निकल रहा है तो निकलने की कगार में है, जोर से भाग भी सकता है। ये देखिए इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक सांप होता है। तो फुर्तीला हो चुका होगा ना। ये देखिए, वैसे तो ये बहुत बड़ा रहता है लेकिन उम्र में छोटा, और मतलब ये मोटा रहना चाहिए वैसे तो, इसीलिए तो अजगर कहते हैं। लेकिन ये मोटा नहीं है, दुबला सा थोड़ा सा है, लेकिन सुंदर बहुत है। रात में पता नहीं कैसी सुंदरता इसकी दिखाई पड़ेगी। एक मिनट टॉर्च मार। कुछ बता ही नहीं सकते हैं। एक सेकंड में 3 फीट हल्ला चढ़ाता है। ये तिकोना मुंह और बादाम की तरह 3 लाइनिंग पूरे शरीर पर बिखरे होते हैं। रुद्राक्ष की माला पहनी है शरीर में, ऐसा नजर आता है। और अजगर में जालीदार डिजाइन होती है दोस्तों, और बहुत ही बड़ा रहता है क्योंकि उनके लगभग बच्चे ऐसे होते हैं, तो ये फर्क है। और घोनस तिकोना मुंह, ये गोल गोल धब्बे, ये हो गया। और सांप पहचानने की शुरुआत इस सांप से होनी जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सीधा साधा सांप है। दर्शकों का जो सवाल है कि हम सांप कैसे पहचाने, उसमें कन्फ्यूजन करके आप मत जाइएगा, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन शुरुआत करते तो इस सांप से कीजिएगा, क्योंकि ये आसान भी है और भारत के 4 विषैले सांपों में प्रमुख विषैला सांप है। हालांकि नाग और इसका जहर फर्क है। नाग का जहर है न्यूरोटॉक्सिक और इसका हेमोटॉक्सिक है, मतलब ये खून पे परिणाम करता है। खून जमने वाली जो हमारी शक्ति है खून में, उसको अस्त व्यस्त कर देता है। लेकिन इलाज एक ही होता है, क्योंकि नाग, मनियार, घोनस और फुरसा, इन 4 सांपों के जहर से विष का प्रतिविष बनता है, मतलब एंटी स्नेक वेनम, जिसे शॉर्ट में ASV कहते हैं, जो सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में इलाज किया जाता है। क्योंकि कोई भी सांप काटेगा तो इलाज एक ही होता है और वो कारगर साबित होता है। और ये लगभग मेरे ख्याल से 3-3.5 साल का सांप रहेगा। दिन रात सक्रिय रहता है दोस्तों, और कहीं पर भी आता है। दूसरी बदकिस्मती की बात ये है, ऐसा कहना पड़ रहा है लेकिन सच्चाई बताना हमारा काम है, 2017 के बाद पूरे भारतवर्ष में घोनस की संख्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ी हुई है। उसके कुछ प्रादेशिक अलग अलग कारण हैं, लेकिन ये सांप झाड़ी झंकाड़ वाले एरिया में रहता है, हेल्दी रहता है, कुछ दिन बिना खाए वगैरह रह सकता है। ये बड़ी तादाद में बच्चे पैदा करने वाला सांप है। अभी तो ये सीधा मतलब अप्रैल के दरमियान बच्चे पैदा करता है और
लगभग अक्टूबर से जनवरी तक इसका मेटिंग सीजन होता है और घोनस दिन रात सक्रिय रहता है। रात में ये किसी भी तरह की मतलब खासकर सूखे पत्ते वगैरह है तो उसको मैच हो जाता है। पाँव पड़ने के बाद काटने की संभावना ज़्यादा होती है और कभी कभी पता नहीं होता, खासकर मोबाइल का जिक्र करूँगा, आप मोबाइल कान पर लगा के कहीं पर भी जा रहे तो पाँव में ये आया तो वहीं पर स्टैचू हो जाता है और आपका दूसरा कदम उसके ऊपर पड़ सकता है और ये मौत को बुलाव हो सकता है। इसलिए टॉर्च, एक टॉर्च आपकी ज़िंदगी बचा सकती है। और रहने के लिए झाड़ झंकड़ वाला एरिया, ईंट पत्थरों का ढेर, वहाँ पर ये रहता है। चूहे इसका पसंदीदा खाना होने के कारण पुराने घर में भी ये पाया गया है और इतना खतरनाक सांप होने के बाद मुझे तो बाइट इसका हुआ है लेकिन मेरे गांव में घोनस का बाइट नहीं हुआ है। पॉजिटिव बात भी बताना जरूरी है क्योंकि हर जगह पर ये सांप फैला हुआ है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरे भारत। आनंद जी, तकरीबन कितने मतलब कितना वक्त मिलता है इस, अगर इस सांप ने काटा हो तो, अगर आदमी डरा नहीं है तो? खतरनाक कहते हैं, प्रशांत जी ने जो सवाल किया मुझे कि एशिया में सबसे ज्यादा बाइट होते हैं तो खतरनाक खतरनाक सांप अफ्रीकन मांबा के बाद ज्यादा बाइट होते हैं। और मैं सांप का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, इंसानी गलती अगर सुधारी जाए, क्योंकि स्टैचू हो जाता है, पाँव पड़ जाता है और काटने की संभावना, फिर ये टॉर्च आपकी जान बचा सकती है। और काटने के बाद खतरनाक बोले तो आपके दिमाग में ये नहीं जाना चाहिए कि कुछ लोग फिर खतरनाक और एक सेकंड में मरता है, दस मिनट में मरता है। कोई भी भारत का सांप काटेगा तो दो घंटा जिंदा रहना चाहिए। घोनस का ढेर किस तरह से असर कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन अगर उसने ढेर छोड़ा है कम मतलब किस तरह की सिम्टम्स इससे दिखते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड है, चार पाँच घंटे। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वो उसने बाइट कहाँ पर किया है ये भी मायने रखता है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन खासकर 99% बाइट जो होते हैं हाथ या पाँव को हो जाते हैं, बीच वाले हिस्से पर कुछ इलाज ही नहीं कर सकते और कितनी जल्दी फैलता है उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। और काटने के बाद ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी चाहिए, ये काटने के बाद पट्टी नहीं बांधनी चाहिए, जो प्रचलित हमें बात होती है कि एक सांप काटेगा तो पट्टी बांधना, ये काटने के बाद वो मतलब कारगर साबित बिल्कुल नहीं होगी, उल्टा वो जगह किसी काम का नहीं रहेगा, गैंग्रीन कर पूरा खून पर असर करता है, फिर बांधने के बाद उसी जगह पर ज़्यादा जमा रहेगा ये जहर और वो जगह किसी काम की नहीं रहेगी, पट्टी नहीं बांधनी चाहिए हलचल बिना किए। हाँ, आमतौर पर ये धारणा होती है कि सांप ने अगर काटा है तो पट्टी बांधनी चाहिए, लेकिन घोनस और फुरसाइन हीमोटॉक्सिक जहर जो होता है पट्टी नहीं बांधनी चाहिए, ये भी जानकारी जरूरी आपको होना जरूरी है। और आपको अगर नहीं है पता, वीडियो के द्वारा कितनी होती है पता नहीं, लेकिन हम चाहते हैं आपको भी पता हो, अगर नहीं है तो आपके आस पड़ोस है या हमें फोन करके स्क्रीन पर जो नंबर आता है उस पर हमें सांप कौन सा काटा है क्या ये आप मतलब कंफर्म कर सकते हैं। जहरीले सांप नहीं काटते हैं तो उधर अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, वीडियो बनाने का मकसद जो है, आप हो ना हो डर से तो ना मरे, जहर से क्या होता है। लेकिन जो प्रशांत जी ने सवाल पूछा कि काटने के बाद कितना, मतलब ये काटेगा डेंजर है, खतरनाक है, दस मिनट में मरते, अगर आपके बाजू में बताएगा डॉक्टर तो आपके शरीर पर इलाज कर रहा है लेकिन आप मन से मर रहे हैं तो बचाना आपको मुश्किल हो जाता है। तो ये जानकारी बहुत जरूरी है, इसलिए सांप काटने के बाद बहुत ही ठंडे दिमाग से काटे हुए मरीज को शांत दिमाग से वहां पर उसको रखना जरूरी है, अस्पताल में जाना जरूरी है और वहां पर इलाज से आप बच सकते हैं। मुझे खुद चार बार रसल वाइपर यानी इस सांप का बाइट है, मैं जिंदा हूँ। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रशांत जी मेरे साथ में आए, इन लोगों ने भी इसको नहीं मारने का सोचा इसलिए मैं बचा पाया, सच्चाई वो बताना जरूरी है। आपके इधर आस पड़ोस में सांप कहीं पर भी आ जाते हैं तो इसके लिए उनकी जानकारी हम पहुंचा रहे, मकसद है उनको बचाना लेकिन आपको बचा के, क्योंकि आपका जब तक खतरा नहीं टलता, आपको मतलब ये ज्ञान नहीं होता या जानकारी नहीं होती, आप सांप मारना नहीं बंद करेंगे हम जानते हैं, तो आपका जान कीमती है, तो सांप को समझने के लिए उसको बचाना है तो आपको भी जिंदा रहना है और गलतफहमी और अज्ञान का शिकार नहीं होना है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज पर हमारा सरपंच मित्र आनंद चिट्ठी फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल हमारा सरपंच मित्र आनंद चिट्ठी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सफर ऐसा ही जारी है, आपकी उम्मीद पर खड़े रखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में आपको क्या पसंद है, क्या चाहते आपके है? सवाल जरूर रखिएगा, धन्यवाद। ये हो गया इतना शांत, मेरे ख्याल से प्रशांत जी टीचर उसको पता रहेगा, इसलिए टीचर के सामने कुछ करने का नहीं करके इसने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, इसलिए हम जानकारी दे पाए। और ऐसा सांपों में स्वभाव में भी फर्क होता है, हर बार सांप से कुछ सीखने को जरूर मिलता है। धन्यवाद।